जनजन की आवाज जीएन भारत में आपका स्वागत है और हम मौजूद है रांची के प्रेस क्लब में और यहाँ पे प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया वीआईपी पार्टी के द्वारा। आपको बता दें वीआईपी पार्टी बिहार की पार्टी है और बिहार पे भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है, लेकिन अब यही वीआईपी पार्टी जो है वो रांची आ चुकी है और इन्होंने अपने एक कमेटी फॉर्म की है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और सारे लोगों के डेजिग्नेशन को फाइनल किया है जो अभी आप प्रेस वार्ता में सुनेंगे। इसके साथ ही वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष है मुकेश साहनी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेएमएम बीजेपी कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के लिए हम यहाँ पे मौजूद है और आने वाले में जो भी चुनाव होंगे, लोकसभा उपचुनाव विधायक का जो भी चुनाव होंगे, वो सब हम लड़ने के लिए तैयार है। यानी झारखंड में कहीं ना कहीं अब गरीब तबके और नीचे तबके के लोग आवाज बन के हम उभरेंगे और सारे पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए मौजूद। आइए सुनते क्या कुछ कहा उन्होंने प्रेस वार्ता में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने खास करके पिछड़े समाज को, जिस समाज को इस धरती पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनकी आवाज को जनता तक पहुंचाने के लिए आप लोग यहां पे आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही आपने जानकारी होगा कि मार्च में ही हमने पार्टी को झारखंड में हमने लॉन्च किया था। उसके बाद पदाधिकारी पे काम करना था, लेकिन पंचायत चुनाव आपके राज्य में था, इसके कारण थोड़ा हमने ढीले किया और बिहार में भी थोड़ा पॉलिटिकल रूप से थोड़ा सा चीज़ें आगे पीछे हुआ, इसके कारण हम लोग यहाँ पे हैं। अभी हमने मन बना लिया है कि बिहार प्रदेश में मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, पार्टी को विस्तार करेंगे, तैयारी करेंगे और संघर्ष करेंगे और रोड पे संघर्ष करेंगे, गरीब लोगों की आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए हम लोग जो बिहार में या उत्तर प्रदेश में प्रयास कर रहे थे, वही प्रयास हम लोग बिहार में करेंगे। इसके लिए पहला हमारे जो कमेटी का हमने गठन किया है, जो कुछ राष्ट्रीय कमेटी में पदाधिकारी को चयन किया है और कुछ प्रदेश कमेटी में हमने चयन किया है, उसका नाम मैं आपको बता दूँ कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव बोकारो से हैं श्री सरजू केवट जी हैं, जो इनको हमने मनोनीत किया है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेजर बद्री सहनी जी हैं, रांची से ही हैं, मोतीलाल सरकार जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं, और हमारे सचिव राजकुमार बिंद जी बने हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं, ये धनबाद से हैं, और वीरेंद्र चौधरी जी अध्यक्षता जो हमारे राष्ट्रीय सचिव रांची से बने हैं, और महत्वपूर्ण जवाबदेही पूरे प्रदेश को चलाने का हमने डॉक्टर राजकुमार चौधरी जी को हमने प्रदेश अध्यक्ष झारखंड का बनाया है जो रांची में ही रहते हैं, और प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद चौहान जी को हमने बनाया है, फिर प्रदीप सिंह जी को हमने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है, और प्रदेश उपाध्यक्ष हमने फिर एसपी चौहान जी को बनाया है, चरण केवट जी को प्रदेश प्रधान महासचिव बनाया है, मनोज कुमार और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी संगठन, बहुत सारे लोगों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए इन्होंने काम किया, इनका जीवन ही रहा समाज संगठित, समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना। उसी तरीके से हमारे बगल में सज्जू केवट जी हैं, इन्होंने भी कई संगठन को काम किए, पूरे प्रदेश में समाज को जगाने में काम कर रहे थे, ये लोग पार्टी का साथी बने हैं और पूरे प्रदेश में मजबूती से जिस तरीके से हम लोगों ने कम समय में बिहार में संघर्ष करके, लड़ाई लड़कर और सरकार का हिस्सा हम लोगों ने बना था, उसी तरीके से झारखंड में भी हम लोग काम करेंगे और आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि वीआईपी पार्टी निषाद विकास संघ का और या हमारे विकासशील इंसान पार्टी का ताकत क्या है। सामाजिक संगठन के द्वारा हम लोग कई वर्षों से झारखंड में, बिहार में और हमने उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी हमने लॉन्च करने के बाद अभी हम लोगों का काम होगा कि लड़ाई लड़कर सत्ता तक पहुँचना और अपने गरीब लोगों का आवाज़ को बुलंद करके उनको वाजिब हक दिलाना, तो इसके लिए हम लोग अभी काम करेंगे। प्रदेश में जब भी चुनाव होगा, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या उपचुनाव हो, तो उसमें हमारी पार्टी लड़ेगी और अपनी ताकत आपको दिखाएंगे कि हमारे पास जो वोट बैंक है, खास करके 23 ऐसे विधानसभा है जहाँ पे हम लोग निर्णायक है, हम लोग जिसको चाहेंगे उसको जिता सकते हैं, जिसको चाहे उसको हरा सकते हैं, 4 ऐसे विधानसभा है जहाँ पे अपने दम पर अकेले हम चुनाव जीत सकते हैं, ये ताकत हमारे पास है, तो इसको लेके हम लोग काम करेंगे और संघर्ष हमारा काम है और संघर्ष ही करेंगे, और ख़ास करके 7-8 लाख निषाद का वोटर है, निषाद कई नाम से जाने जाते हैं, बीन बिलदार, मुनिया, मला, केवट, चाय, तियर, ये सभी उपजाति को एक साथ किए और सभी को आज उम्मीद है वीआईपी पार्टी से कि आने वाले समय में हमारे हक अधिकार की बात करेगा। आज मेरी पार्टी का मुख्य लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण मिले। जब बंगाल में निषाद को एससी का आरक्षण मिल रहा है या दिल्ली में निषाद को एससी का आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार या उत्तर प्रदेश या झारखंड में क्यों नहीं मिल रहा है? जब बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान बनाया, उसमें आरक्षण हमें दिया, तो इस राज्य में क्यों नहीं हो रहा? तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने बिहार में देखा कि कम समय में हमने सफलता हमने पाया, अपने लोगों की बात लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन वो चीज़ किसी को पसंद नहीं आया, इसके लिए उन्होंने
उनका जो काम है उन्होंने किया, लेकिन हमारा जो काम है संघर्ष करना, वो जिंदगी भर रहेगा और वो कभी छूटने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ को लेके आज झारखंड प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्ति होने के बाद व्यवस्थित तरीके से पूरे प्रदेश में काम चालू किया जाएगा। बूथ स्तर तक हम लोग कमेटी बनाएंगे। रांची आने से पहले राजद सुप्रीमो से भी आप मुलाकात करके आ रहे हैं, कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्या पुनः घर वापसी करेंगे क्या? नहीं नहीं, देखिए ये सब चीज़ पर बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है। हर निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति या देश की राजनीति में, खास करके बिहार में, विकासशील इंसान पार्टी को इग्नोर करके घर तक नहीं पहुंच सकता, ये हमारी ताकत है। हाल फिलहाल में आपने देखा कि बोछा विधानसभा में हमने चुनाव लड़ा, पूरे NDA शक्ति लगा दिया, वो 35,000 वोट ला 45,000 वोट प्राप्त किया, हमने अकेले अपने दम पर 30,000 वोट प्राप्त किया। जो 2020 में हमने 12,000 वोट से हमने वो विधानसभा जीता था, एक साल के बाद उसको NDA ने 37,000 वोट से हारा। तो ये ताकत हमारे पास है। अगर 2020 में अगर हम महागठबंधन के साथ रहते तो शायद आज बिहार में सरकार महागठबंधन का होता, आज मुख्यमंत्री रहते, लेकिन उन्होंने गलती जो किया उनको लेके वो 5 साल के लिए पीछे चले गए। और भारतीय जनता पार्टी ने देखा हमारी ताकत को, बिहार से लेकर झारखंड उत्तर प्रदेश तक, कि ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ये पिछड़े समाज को हक अधिकार की बात कर रहा है, उनको लेकर आगे बढ़ रहा है। तो सिर्फ वो रास्ता रोकने का काम किया, और हमारी पार्टी में भले विधायक उन्होंने ले लिया, हमारी पार्टी को विधायक ने नहीं बनाया, हमारे वोटर हमारे सपोर्टर ने हमारी पार्टी को बनाया। वो आज भी VIP पार्टी के साथ है और हमने 30,000 वोट ला के दिखा दिया। अभी रहा क्या, हम श्री लालू प्रसाद यादव जी को हमेशा हम आदर्श मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते, गरीब की हक अधिकार की हमेशा आवाज़ उठाए हैं। आज तबीयत उनका अस्वस्थ है, इसके लिए हमने दिल्ली में उनसे मुलाकात किया, बहुत स्वर से चाहेंगे कि जल्दी स्वस्थ हो और लोगों के बीच में आए, ताकि वो लोग उनको देखने से उनके शरीर में एक अलग ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसके लिए हमने उनसे मिला है, लेकिन चुनाव के समय में निश्चित तौर पे जब चुनाव का समय आएगा उस समय में सोचा जाएगा, सब चीज़ को सोच के फिर काम किया जाएगा। झारखंड में कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कैसे संगठन को स्थापित कीजिएगा, चुनौतियां कई हैं? नहीं, मेरे लिए बिल्कुल ही चुनौती नहीं है, खास करके निषाद समाज के जितने भी हमारे संगठन है प्रदेश में, 18-20 संगठन काम कर रहे हैं, वो लोग सब VIP पार्टी को फ्रंट में ला के काम करेंगे। संगठन पे पहले से ही हम लोग काम कर रहे थे, और हमारा अभी लक्ष्य है कि समाज जितने भी हमारे हैं 7-8 लाख वोट जो हमारे पास है, उसको एक जगह करके और अपने साथ रखना है। और हमने कहा ना कि हम पूरे प्रदेश में वो ताकत बना सकते हैं कि जो हमारे बगैर बिहार प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में किसी की सरकार नहीं बन सके, वो ताकत हम लोग बनाएंगे। और देखिए, नई पार्टी हैं, गरीब लोग हैं, तो हमारे पास चुनौती बहुत है, लेकिन इसका सामना करना पिछले 8 साल से हमने सीख लिया है। और सामना करते अपने 2018 में हमने पार्टी भी बनाया और 2020 में हमने सरकार का हिस्सा बने, और पहली बार बिहार में जो निषाद दूसरे से टिकट मांगता था वो टिकट बांटने का काम किया। आप ये कह सकते कि बिहार में 2020 में मुख्यमंत्री बने, अगर शायद VIP पार्टी समर्थन नहीं देते तो शायद बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो आज हम लोग संघर्ष करके तो वो ताकत बना लिए कि हमने एक मुख्यमंत्री बनाया। तो आने वाले समय में इसी तरीके से हम लोग काम करेंगे, चुनौती बहुत सारा आएंगे, उसको सामना करेंगे। और निषाद है हम, मल्लाह है, और मछली पानी में जब रहते उनको हम निकाल के बाहर रख देते तो फिर ये तो लोग है वो जितने भी हीरिंग ब्रिंग कर। तो आपने साफ तौर पर उन्हें कहते हुए सुना कि एक बहुत बड़ी पार्टी उभर कर ये सामने आएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे GN भारत के साथ। मैं शिखा सरे अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।